हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं हनी चिली कॉलीफ्लावर। आज मेरी मामा को बहुत शौक चढ़ रहा है कुकिंग का, इसलिए आज उन्होंने हमारे लिए बनाने की सोची हनी चिली कॉलीफ्लावर। अब देखते हैं कि कैसा बनता है, अच्छा बनता है कि बुरा बनता है। मेरे को तो लगता है अच्छा ही बनेगा। देखिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब देखिए, वो मम्मा जो हैं हमारी, कितने अच्छे से इसमें डाल रही है मसाले। अब इसको मिक्स किया जा रहा है बहुत अच्छे से, ताकि मसाले मिक्स हो जाएं, और उस पानी डाल रहे हैं। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है अभी ही चख लूं। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा तो, सच में। अब देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब इसमें डल रहे हैं ये अच्छे अच्छे यमी यमी टेस्टी टेस्टी गोभी, अच्छे से डाल रहे हैं, अच्छे से क्वांटिटी से। अब इनको मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद अब इसे फ्राई किए करेंगे इनको तेल में डाल के। देखिए कितने अच्छे से इसमें डाल के फ्राई कर रहे हैं। मेरे को तो लगता है ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत अच्छे बनने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। ये एक्सपेरिमेंट का बस कहीं हम पे भारी ना पड़े, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब देखिए अच्छे से एकदम यम्मी तरीके से ये हो रहा है, मतलब बन रहा है। अब इसको अच्छे से घुमा रहे हैं कि ये ज़्यादा कच्चा ना रहे या फिर ज़्यादा पक ना जाए। देखो ये अब तल के रेडी है कि नहीं, मेरी मम्मा देख रहे हैं, और ये ऑलवेज रेडी हैं। अब देखिए इनको निकाल रहे हैं। अब मेरी मम्मा जो हैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देती कुछ, जो बचा हुआ तेल था उसे ही यूज़ कर लिया। अब इसमें हम कटी हुई वेजिटेबल्स डाल रहे हैं जो बहुत ही अच्छी लग रही हैं दिखने में। अब इन्हें मिक्स कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इसमें अनियन डालेंगे और बाकी भी कटी हुई सब्जियां डालेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इनको मिक्स करेंगे, आप देख ही रहे हैं। अब देखिए कितने अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, ये देखिए, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगती हैं। अब मेरे को तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा सोया सॉस कम हो गया तो और डाला। अब ये जो मिर्ची और नमक डाला है, इसका टेस्ट कमाल का है, एकदम मज़ेदार। अब देखिए इसमें विनेगर डाल रहे हैं, ये तो कमाल का है कि इसमें इतना सारा विनेगर डालता है। अब ये पक रहा है अच्छे से। अब इसमें पता नहीं क्या डाला, अब हमें इससे क्या लेना देना, हम तो कुकिंग पे ध्यान देंगे और खाने। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, एकदम सुपर्ब। इसमें थोड़ा सा वाटर डाला। अब आप देख लो, अब ये हो रहा है, पक रहा है। इसमें हम अपनी फ्राई कॉलीफ्लावर डालेंगे। आप देख रहे हो कितने अच्छे से इसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाले जा रहे हैं, जैसे ऑयल में डाला था बस सेम डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसमें हनी डालेंगे, क्योंकि इस डिश का नाम है हनी चिली कॉलीफ्लावर, तो इसमें हनी तो डलेगा ही। और इसमें अब हमने कटे हुआ धनिया डाल दिया और बाकी चीज़ डाल दी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें। अब देखिए मैंने इसमें प्लेट में लिया है और खा रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एकदम टेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।